अब रो मत बस, ठीक है, रोना मत अब। हाँ अरे लड़का ने तोड़ दियो जी लाठी। लड़के ने? दादा आपकी उम्र कितनी है? 2 कम 70 है। 70? हाँ 70। अच्छा 2 कम 70 मतलब 68। तो दादा जो है 68 साल के, और दादा की हालत देख सकते हैं आप। ये देखिए दादा, ये आपका हाथ ऐसे कैसे हुआ? ये लड़के ने क्यों मतलब ऐसे ही है ये, क्या बताऊँगा हिस्ट्री। अच्छा कुछ कर्जा पानी के ऊपर जुआ खेल को मोह पैसा मांगे। अच्छा मोह पैसा होना जमीन ना कूदना। अच्छा और दामाद ने तोड़ दिया। हाँ दामाद ने तोड़ दिया जी घर कमर। हाँ अरे रहने दो, बैठ जाओ। ये देख सकते हैं दादा की हालत कैसी है, एकदम हाथ ये एकदम ऐसा हो चुका है बिना, तब भी इतनी मतलब इतनी हालत होने के बाद भी दादा यहाँ पे काम कर रहे हैं बैठ के। और दादी भी लगी पड़ी है, वो देखिए दादी भी लगी पड़ी है चाय बनाने के लिए हमारे लिए। अब दादा लगनाओ जी, मैं कुछ करने के लगनाओ, मैंने तो रोटी को मैंने की यहाँ अपना चाय पानी बेचो। बताओ मतलब इतनी उम्र में भी और ऐसी हालत में खासकर दादा की, और दादा ऐसा काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी मोटिवेशन चीज़ है। और यहाँ पे हमने वीडियो देखी तो हम यहाँ पे आए और देखे कि दादा की हालत कैसी है, और दादी यहाँ पे चाय बना रही हैं। तो दादी को दिखाओ, देख सकते दादी मतलब उनके बेटे ने इनका हाथ तोड़ दिया। बताओ ऐसे ऐसे आजकल लोग हैं कि बच्चे आजकल अपने माँ बाप के बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं, तो औरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम। तो अब दादी से थोड़ी बात करते हैं और देखते हैं दादी। दादी नमस्ते। बना रहा था बेटा, जीवते रहे भगवान। दादी चाय बना रहे हो? हाँ बेटा चाय बना रहे हैं। एक चाय कितने की है दादी? 10 की है बेटा। 10 की चाय एक। और अब दादी चाय बना रही है, देखते हैं कैसी चाय रहने वाली है। और अब तीन वो बना देना दादी, 3 कप। हाँ 3 कप बना देना। तो हम यहाँ पे चाय टेस्ट करेंगे दादी की चाय कैसी है। तो बस मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पे आके इनकी हेल्प कीजिए, जैसे आपने बाबा के ढाबा को सपोर्ट किया, इनको भी सपोर्ट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे डोनेट हो सके उतना कीजिए। मैं नंबर दे दूँगा और जितने पैसे आप देंगे मैं दादी दादा को यहाँ पे आके दूँगा, जितने भी होंगे, जितने भी 10-20 आप जितने भी दे सकते हैं उतने दे दीजिए। बस मैं आपसे ये हेल्प मांगना चाहूँगा। तो मतलब अगर आपने सपोर्ट किया तो दादी दादा को भी सपोर्ट मिलेगा। इतनी उम्र में काम कर रहे हैं दादी दादा, आप समझ सकते हैं। आपके घर में भी दादी दादा होंगे, उनकी हालत अगर ऐसी हो तो आप क्या होगा मतलब। तो अभी चाय पीते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, कैसी मतलब कैसी चाय है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं, फिर आपको आगे वीडियो में मिलते हैं। तो पूछ लो आप, टेंशन मतलब बस कोई टेंशन नहीं है, अब रो मत बस, ठीक है, रोना मत अब। हाँ अरे रो मत बस, रो मत आप, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं बाबा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो ये हैं बाबा की बेटी हैं, इन्होंने गांव से लाए, इनकी मदद करी है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को भी, आपने इतनी मदद करी। और बेटा तो एकदम आप समझ सकते हो कि एकदम नलायक ही हैं, और बेटियाँ ही काम आती हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है बेटे नलायक ही होते हैं और बेटियाँ ही काम आती हैं। और बेटी बहुत परेशान थे, हाँ बेचारे रोते थे रात दिन। हाँ तो हम दोनों बहन ले आए इनको। आप कौन हो? बेटी हैं। अब भैया जी मैं क्या करूँ, मैं तो आदमी ने जब से इनको एंड करा तब से मैं खुद ही अलग हूँ। अच्छा। तो इनने बोला कि कर्जा दे दे किसी का, तो कर्जा की वजह से इनके लाठी मार दी पापा के, तो ये बाएं ऐसे करके बैठा था पापा। अच्छा। तो यहाँ लाठी मारी तो ये टूट गया पापा के, सर्दिन का टाइम था भैया। अच्छा। तो बस ना तो कर्जा दिया, जमीन थी जमीन बिछवा दी, घर था घर भी बिछवा दिया भैया। अब ये दूसरा के कोई के घर में रहते थे, उन धमकी देते थे कि मेरा घर खाली कर दे, मेरा घर खाली कर दे। तो ये रोते थे बात बात पे, तो मैं इनको ले आई, मैंने कि चलो भैया यहीं रह लेंगे। फिर मैं इनको मुठिया भुजवाती थी यहाँ। हाँ। तो मुठिया भी भैया क्या बेचती थी इनकी, 50 की 100 की ऐसी बेचती थी। तो उनकी मुठिया के पैसे मुठियों में लग जाए, भैया तुम बारन ने इनको सहारा दिया है तो ये दुकान खुलवाई है भैया। अच्छा। आप लोगों ने ही सहारा दिया भैया जी, हम तो कुछ नहीं है। बस भैया जी आप लोग का ही आशीर्वाद है, जो ये थोड़ा सा भैया इनको रोटी सब्जी मिली है टाइम पे।
अभी वो भैया आए थे ना कल, उन्होंने इतना मतलब पानी वानी सब कुरकुरे उरकुरे दे के गए, बहुत मदद करी है भैया जी, बहुत मदद करी है वो भैया ने, वो भैया इनके पैसा भी दे के गए। मैंने देखा था वीडियो में, देखा था तभी मैं आया वीडियो बनाने की, मेरी वीडियो से और लोग आए। चलते हैं दादा फिर, ठीक है दादी, कोई टेंशन मत लेना, आएंगे लोग आएंगे आपकी मदद करेंगे, कोई टेंशन नहीं दादी। तो गाइज अगर आपको आना है यहाँ पे तो नेताजी सुभाष अपार्टमेंट है एक, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं दादाजी, इनकी प्लीज़ हेल्प करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप आइए हेल्प कीजिए, हम पे तो जितना था हमने दे दिया, ठीक है। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, अगर आप आएंगे सेक्टर 13 के पास सुभाष अपार्टमेंट के पास, यहीं आपको दादा दादी दोनों बैठे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप आइए और यहाँ पे हेल्प कीजिए उनके, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आइए। तो इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें, प्लीज़ आप यहाँ पर आके इनकी हेल्प करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।